हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड सिंप्लीफाइड। और आज हम बात करने वाले हैं टीयर्स ऑफ द सन मूवी के बारे में। दोस्तों, ये मूवी 2003 में आई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 थी। दोस्तों, ये मूवी मोनिका बेलुची और ब्रूस विल्स की बेहतरीन मूवीज़ में से एक है। तो ये कहानी है नाइजीरिया में चल रहे सिविल वॉर के बीच फंसे हुए यूएस सिटीजन डॉक्टर लीना केंड्रिक्स की, जिनको निकालने के लिए यूएस मरीन्स की एक टीम भेजी जाती है जिसको लेफ्टिनेंट ए के वॉटर्स लीड कर रहे हैं। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में एक्चुअल अफ्रीकन रिफ्यूजीज को ही कास्ट किया गया है जो कि यूएस में रहते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नाइजीरिया में नॉर्थ के फुलानी मोमडंस और साउथ के इबो क्रिश्चियंस के बीच सिविल वॉर चल रही है, जो कि अचानक तब भड़क जाती है जब नाइजीरियन आर्मी जनरल मुस्तफा यकुबा वहाँ के प्रेसिडेंट सैमुअल अजोका का मर्डर करने के बाद उनकी सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं और नाइजीरिया पर कब्जा कर लेते हैं। अभी वो क्रिश्चियंस की कम्युनिटी के बीच काफ़ी डर का माहौल है और वो अपनी जान बचाकर नाइजीरिया से भाग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूएस भी अपनी एम्बेसी खाली करा लेता है और अपने सभी सिटीजन्स को नाइजीरिया से निकाल रहा है। वहीं दूसरी ओर यूएस मरीन के कैप्टन रोड्स लेफ्टिनेंट वाटर्स और उनकी टीम को नाइजीरिया में होने वाले उनके नेक्स्ट मिशन के बारे में ब्रीफ करते हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट वाटर्स को डॉक्टर लीना केंड्रिक्स, जो कि यूएस सेनेटर की डॉटर इन लॉ हैं, एक डॉक्टर और एक सोशल वर्कर भी हैं जो नाइजीरिया के योलंगो शहर में हॉस्पिटल चलाती हैं, उनको ढूंढकर एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक लेकर आना है, क्योंकि नाइजीरिया पूरी तरह से सिविल वॉर की चपेट में है, जिससे एक्सट्रैक्शन मिशन अब और भी पेचीदा हो जाता है। प्लान के हिसाब से सील टीम ग्लाइड करते हुए नदी के किनारे पहुंचती है, जहां पर उन्हें एक रिफ्यूजी मिलती है जो कि लीना केंड्रिक्स की सहायक भी होती है। वो उनको हॉस्पिटल तक लेके जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लेफ्टिनेंट वाटर्स लीना केंड्रिक्स के ऑपरेशन थिएटर में घुस जाते हैं, जहाँ पे लीना केंड्रिक्स ऑपरेशन कर रही होती है। ये देखकर लीना केंड्रिक्स गुस्सा हो जाती हैं। वो लेफ्टिनेंट को कुछ देर बाहर रुकने के लिए बोलती हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट वाटर्स उनको बताते हैं कि कैसे रिफ्यूजी पूरी तरह से जंगल में जल्दी फैलते जा रहे हैं और जल्दी ही वो उनके हॉस्पिटल तक पहुंचकर उन सभी को मार डालेंगे। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर लीना केंड्रिक्स लेफ्टिनेंट से वहाँ से निकलने का प्लान पूछती हैं, तो लेफ्टिनेंट उनको बताते हैं कि उनको हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना होगा। यहाँ डॉक्टर केंड्रिक्स अपने साथ साथ बाकी 70 लोगों को भी निकालने के लिए बोलती हैं। तब लेफ्टिनेंट उनको बताते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ से निकालेंगे जो या तो यूएस सिटीजन है या फिर फॉरनर्स हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर केंड्रिक्स जाने से साफ मना कर देती हैं। अब क्योंकि रेबल्स काफ़ी तेज़ी से पूरे एरिया में इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं और जल्द ही वो यहाँ भी पहुँचने वाले हैं, तो वाटर्स कैप्टन से बात करने के लिए डॉक्टर केंड्रिक्स से थोड़ा समय मांगते हैं, जिसके बाद वो केंड्रिक्स को बोलते हैं कि ठीक है, वो अपने सभी लोगों को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जो पैदल चल सकते हैं। अगली सुबह लेफ्टिनेंट वाटर्स डॉक्टर केंड्रिक्स और उनके बाकी रिफ्यूजीज के साथ 12 किलोमीटर का एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक का लंबा सफ़र शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक पैदल चलने के बाद लेफ्टिनेंट वाटर डॉक्टर केंड्रिक्स के रिक्वेस्ट करने पर ये डिसाइड करते हैं कि उनकी टीम आधे घंटे तक यहाँ रेस्ट करेगी। तभी वहाँ से बागियों का एक ग्रुप भी निकल रहा होता है, जिसमें से एक रेबल सोल्जर डॉक्टर केंड्रिक्स को देख लेता है, पर लेफ्टिनेंट वाटर्स पूरी सिचुएशन को संभाल लेते हैं और उस रेबल को मार देते हैं। इन सभी मुश्किलों को पार करने के बाद लेफ्टिनेंट वाटर्स एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचने के बाद स्मोक बॉम्ब की मदद से हेलीकॉप्टर्स को बुला लेते हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट वाटर्स सभी रिफ्यूजीज को गन पॉइंट पर दूर कर देते हैं और सिर्फ लीना केंड्रिक्स को हेलीकॉप्टर में डाल लेते हैं। इसके बाद कुछ दूर तक हवाई सफर तय करने के बाद वाटर्स जब उस हॉस्पिटल के ऊपर से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि रेबल सोल्जर ने हॉस्पिटल में आग लगा दी है और सभी लोगों को मार दिया है। ये देखने के बाद लेफ्टिनेंट वाटर पायलट को वापस चलने के लिए ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में वो कुछ औरतों और बच्चों को बैठाकर हेलीकॉप्टर को कैमरून बॉर्डर की ओर रवाना कर देते हैं और खुद ये फैसला लेते हैं कि वो लोग डॉक्टर केंड्रिक्स और उन रिफ्यूजीज के साथ कैमरून बॉर्डर तक का सफ़र पैदल तय करेंगे। लेफ्टिनेंट वाटर्स के उस लोकेशन से निकलने के कुछ समय बाद वहाँ पर रेबल सोल्जर्स का एक ग्रुप पहुँचता है, जो स्मोक ग्रेनेड्स को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स अपने लोगों को निकालने के लिए आए थे, जिसके बाद वो लेफ्टिनेंट वाटर्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। स्लो सैटेलाइट इमेज चेक करने के बाद लेफ्टिनेंट वाटर्स को ये बताता है कि उनका शायद किसी रेबल आर्मी के टुकड़ी के द्वारा पीछा किया जा रहा है। थोड़ा सोचने के बाद लेफ्टिनेंट वाटर डॉक्टर केंड्रिक्स से ये पूछते हैं कि उनका पीछा किए जाने की क्या वजह हो सकती है, क्या वो इस बारे में कुछ जानती हैं, लेकिन डॉक्टर केंड्रिक्स कुछ भी पता होने से इनकार कर देती हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट वाटर कैमरून बॉर्डर का अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर रेबल आर्मी भी लगातार लेफ्टिनेंट वाटर्स की ओर तेज़ी से बढ़ रही है।
कैमरून बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए ल्यूटिनेंट वाटर एक गांव से गुजरते हैं जहां पर वो ये देखते हैं कि काफ़ी इनोसेंट पीपल्स को रेबल आर्मी के द्वारा स्लॉटर किया जा रहा है। ये देखने के बाद ल्यूटिनेंट वाटर लीना कैंड्रिक्स और उनके रिफ्यूजीज को जंगल में ही रुकने के लिए बोलकर रेबल्स को उनके पापों की सजा देने के लिए एक एक को चुन चुन कर मारते हैं। दोस्तों यहाँ पर मूवी काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है और साथ ही में ये भी देखने को मिलता है कि रेबल सोल्जर कितने ज़्यादा वहशी और कितने ज़्यादा निर्दयी हैं। अगले दिन एजेंट स्लो सैटेलाइट इमेज चेक करने के बाद ल्यूटेनेंट वाटर्स को ये बताता है कि रेबल आर्मी बिल्कुल सही डायरेक्शन में उनका पीछा कर रही है, जिससे वाटर्स को ये शक होता है कि उनके ग्रुप में कोई तो है जिसकी मदद से रेबल आर्मी उनका पीछा बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रही है। तब ल्यूटेनेंट वाटर्स लीना से पूछते हैं कि ऐसा कौन कौन है जो पिछले 3 दिन में उनके ग्रुप से जुड़ा है। तभी रिफ्यूजीज में से एक आदमी निकलकर काफ़ी तेज़ भागता है लेकिन एजेंट जी के निशाने से बच नहीं पाता और गोली लगने से नीचे गिर जाता है। उसकी तलाशी लेने पर एजेंट रेड को उसकी जेब से सैटेलाइट फ़ोन मिलता है। इस सब के बाद ल्यूटेनेंट वाटर्स को रेबल आर्मी उनका पीछा क्यों कर रही है ये भी पता चलता है, क्योंकि जिस रिफ्यूजी ग्रुप को कैमरून बॉर्डर तक लेकर जा रहे हैं उस ग्रुप में मारे गए प्रेसिडेंट सैमुअल अजुका का बेटा आर्थर अजुका भी है, जो न कि सिर्फ सैमुअल अजुका का बेटा है बल्कि वो ईबो क्रिश्चियन जनजाति के शाही परिवार का आखिरी वारिस भी है, जो कि अपने पिता की डेथ के बाद नाइजीरिया की सत्ता का लीगल वारिस है। इन सब के बाद ल्यूटेनेंट वाटर कैप्टन रोड्स को सैटेलाइट फोन से कॉल करके उनसे एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कैप्टन रोड उनको बताते हैं कि नाइजीरिया के खराब हालात की वजह से वो पहले ही अपने काफ़ी हेलीकॉप्टर्स गंवा चुके हैं और उनको कैमरून बॉर्डर तक का सफ़र पैदल ही तय करना होगा। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आर्थर अजुका को वो रेबल्स के हवाले कर दें क्योंकि इस वजह से उनका मिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन वाटर्स अपनी टीम के साथ ये डिसीजन लेता है कि वो आर्थर अजुका को भी कैमरून बॉर्डर पार कराएगा। अब सील टीम रेफ्यूजीज के साथ जंगल के उस रास्ते से गुजरती है जहाँ पहले से रेबल्स घात लगाए बैठे हैं। जी एयर सपोर्ट के लिए कंट्रोल सेंटर से रिक्वेस्ट करता है और यहीं पर मूवी में काफ़ी हाई टेंशन गन फाइट भी होती है रेबल्स आर्मी और US मरीन्स के बीच, जिसमें स्लो लेक फ्ली और सिल्क मारे जाते हैं। लेकिन ल्यूटेनेंट वाटर्स रेड डॉग और जी घायल होने के बावजूद भी फाइटर जेट्स को बॉम्ब लोकेशन मार्क करने में कामयाब रहते हैं, जिसकी वजह से F-18 Hornets सही लोकेशन पर बम गिराकर रेबल्स आर्मी का सफाया कर देते हैं। अब बॉर्डर के दूसरी ओर कैमरून में US नेवी का हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से कैप्टन रोड बाहर आकर सील टीम और रिफ्यूजीज को बॉर्डर पार कराते हैं। साथ ही कैप्टन रोड्स ल्यूटेनेंट वाटर्स से प्रॉमिस करते हैं कि वो उनके सभी साथियों की बॉडी को रिकवर कराएंगे। डॉक्टर कैंड्रिक्स भरी आंखों से नाइजीरियन फ्रेंड्स को गुड बाय करके US की तरफ हेलीकॉप्टर में निकल जाती हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्थर अजुका को उनके लोगों ने घेर रखा है और वो अपने लोगों को खुशी से बोल रहे हैं कि वो अब किसी के गुलाम नहीं हैं। दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।